फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से एक नोटिस निकल के आई है। आज हम इसी नोटिस के विषय पे बात करने वाले हैं। ये नोटिस जो है 23/1/2021 का ये नोटिस है। तो चलिए हम बताते हैं कि ये नोटिस क्या है। इससे पहले दोस्तों, जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि रमनो यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस है वो आप तक पहुंच सके। तो नोटिस में यहां पे बताया गया है कि इतिदत द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि VDS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोफेशनल 2020 की परीक्षाएं अतिशीघ्र संपन्न कराई जानी है। इस हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म दिनांक 25/1/2021 से दिनांक 5/2/2021 तक भरे जाएंगे। तत्संबंधी संस्थान से अपेक्षा की जाती है कि पूरी आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन प्राचार्य के माध्यम से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि समस्त पूरित छात्रों के आवेदन पत्र DCI, जिसे हम लोग नीट के नाम से जानते हैं, के मानकानुसार संस्थान में प्रवेश होने पर ही मेरे द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। दिनांक 9/2/2021 तक करते हुए लॉगिन में उपलब्ध चालान में वर्णित विवरण अनुसार परीक्षा शुल्क दिनांक 11/2/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के उपरांत शुल्क का लेखा विभाग से सत्यापन कराकर कॉलेज लॉगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें। सत्यापित परीक्षा शुल्क की रसीद कॉलेज लॉगिन में अपलोड न किए जाने की स्थिति में जांच पत्र एवं प्रवेश पत्र निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। परीक्षा आवेदन पत्र एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति विवरण भी परीक्षा विभाग में दिनांक 12/2/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में यह भी अपेक्षा की जा रही है कि पूरी परीक्षा आवेदन पत्रों का स्वयं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर ले। आहार संबंधित नाम एवं पिता के नाम में त्रुटि होने पर संबंधित छात्र एवं महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नोटिस जो है वो VDS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोफेशनल 2020 के छात्रों के लिए ये नोटिस है। यहाँ पे नोटिस में बताया जा रहा है कि आप लोगों की परीक्षाएं हैं जिसे कि बहुत जल्द करवाई जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए परीक्षा आवेदन फॉर्म के दिनांक भी दिया गया है, 25/1/2021 से लेकर के 5/2/2021 तक आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीट के मानक अनुसार संस्थानों में प्रवेश होने पर ही प्रमाणित किया जाएगा। और यहाँ पे दिनांक 9/2/2021 तक आप लॉगिन में उपलब्ध चालान में वर्णित विवरण अनुसार परीक्षा शुल्क जो है 11/2/2021 तक जमा कराना है आपको। आगे आपको बताया जा रहा है यहाँ पे परीक्षा विभाग में दिनांक 12/2/2021 तक जमा कराना सुनिश्चित करें, यानी कि आपका जो परीक्षा आवेदन पत्र है वो छात्र और छात्रों की उपस्थिति का विवरण की परीक्षा विभाग में जो जमा करना है वो 12/2/2021 तक करना है। जो कि आप फॉर्म को फिलअप किए उसमें आपको सारा चीज़ देख लेना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। फॉर एग्जाम्पल हो गया नेम में, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, बाकी और चीज़ें हैं सारा डिटेल्स में आप ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई गलती ना हो ताकि आपको बाद में कोई परेशानियां ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।